रोयल राजपुताना को जय माता दी। आप सभी का स्वागत है रूप बना राजपूति पोशाक में। आज हम आपको दिखाएंगे राजपूती ब्राइडल पोशाक के अंदर वर्क कैसे होता है और क्या क्या मटेरियल लगता है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कृपया वीडियो एंड तक जरूर देखें। आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम आपको दिखा रहे हैं ब्राइडल पोशाक कैसे बनती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर साटन सिल्क का कपड़ा लगता है। ये हैवी क्वालिटी का फैब्रिक होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। इसकी सबसे बेस्ट अच्छी क्वालिटी साटन सिल्क ही होती है। ये हैवी रेंज के अंदर आता है। इसके अंदर दब के जरदोजी का वर्क किया जाता है। उस वर्क में वजन होता है जो ये कपड़ा सहन कर पाता है। प्योर का कपड़ा जो होता है वो वजन सहन नहीं कर पाता, इसलिए हैवी जो पोशाक होती है उसके अंदर हमेशा साटन सिल्क का ही कपड़ा ले। जो बनारसी जरी वर्क होता है उसके अंदर आप प्योर का कपड़ा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कारीगर कैसे काम कर रहे हैं, कितनी बारीकनेस से फिनिशिंग से काम कर रहे हैं। इस एक पोशाक बनने में 20 से 30 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, और इससे भी हैवी पोशाक बनती है उसमें दो दो महीने लगते हैं, क्योंकि हैवी वर्क होता है। इसके अंदर बहुत ही प्यारा वर्क होता है, ये वर्क ख़राब नहीं होता लंबे समय के लिए, ये वर्क बहुत ही बेस्ट है। अभी आप जो देख रहे हैं वो ओढ़नी के अंदर वर्क हो रहा है, चारों तरफ बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। राजपूती पोशाक के लहंगे की कलियों की क्वांटिटी 12 होती है, जो आप देख सकते हैं, एक एक कली गिन सकते हैं। अब वर्क देखिए कितना हेवी वर्क किया हुआ है, कितना बड़ा बॉर्डर दिया हुआ है, ऊपर तक लहंगे में वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्यारा फिनिशिंग है। आप देखिए जूम करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्यारी चीज़ लग रही है। ये वर्क टोटल हैंडवर्क किया हुआ है, ये देखिए आप, बहुत सुंदर वर्क है, ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फिनिशिंग दिख रही है इसके अंदर, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए आप, बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है, वर्क खराब नहीं होता, बहुत ही सुंदर वर्क है। तक तो आपने बॉर्डर देखा, अब दिखाते हैं आपको ऊपर की कलियों का वर्क। ये देखो कितना प्यारा वर्क किया हुआ है, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए बहुत ही सुंदर वर्क है। एक एक डिजाइन अपने हिसाब से बनी हुई है, कोई भी इधर से उधर नहीं की हुई है, बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है। देखो आप, अच्छा मतलब फूल बना हुआ है इसके अंदर, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए न्यू अपडेट लेके आए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो आप देख रहे हैं ये है गट जोड़ा, ये भी हैंडवर्क का ही बनता है। 1 मीटर की लंबाई होती है, आगे इसी में साटन का कपड़ा लगता है और इसकी 2 मीटर लंबाई कर दी जाती है, बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ। सेम पोशाक की डिजाइन ही गट जोड़े के अंदर बनाई जाती है। और इसके साथ हम आ देंगे पोटली, इसमें भी हैंडवर्क ही किया जाता है। ये देखो अपनी पोशाक हो गई है रेडी कम्प्लीट। इसमें आपको हमने गट जोड़ा दिया, 12 कली का लहंगा दिया, ओढ़नी और सेम डिजाइन की जूती बनी हुई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।